हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए ये निमकी रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही टेस्टी और एकदम आपको जो मिठाई के दुकान में आप लोगों ने कभी खाया होगा निमकी, उस तरह का ही इसका टेस्ट एकदम उसी तरह एकदम खस्ता बनता है। देखिए, जिसके लिए देखिए मैं ये इसमें आधा ये कप, मतलब आप क्वांटिटी में एक कप मैं इसमें घी डाली हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास घी थी इसीलिए मैं घी डाल रही हूँ, घर का घी है। और देखिए, ये मैं पिंच भर इसमें खाने वाला सोडा जो होता है वो मैं डाल रही हूँ, जिसे आप लोग मतलब ईटिंग सोडा जिसको बोलते हैं वो वाली मैं डाली हूँ मीठा सोडा। और अब जाकर देखिए, इसमें मैं जमाइन, मंगरेल और घी, नमक और ये सोडा डाल के, और देखिए इस तरह से पानी, हल्का हल्का पानी का छिड़काव देके, और इसको मैं सानूंगी। इसे एक बार में ज़्यादा पानी नहीं देना है, एक बार में अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं तो ये गीला हो सकता है इसीलिए, और गीला इसको कर दीजिएगा तो आपका ये जो नमकीन है वो खस्ता नहीं बनेंगे। इसीलिए देखिए, मैं इस तरह से छिड़काव करके और इसमें सान रही हूँ। और आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये मैं नहीं बना रही, ये मेरी मौसी है वो बना रही है, उनका रेसिपी है ये, मैं उनका सिर्फ हेल्प कर रही हूँ। और देखिए, अब ये इस तरह से हाथों से इस तरह से सान रही है और पानी एकदम ही कम देके इसको सानी है। अब देखिए, इस तरह से मिला के और इसको हाथों से खूब ताकत लगा के इसको सान के, उसके बाद देखिए इस तरह से हाथों से हल्का हल्का ऑयल को ग्रीस करके हाथों में, और इस तरह से करके, और इसे देखिए इसे चकला पे नहीं बेली है, इस पे इसे थाली पे बेली है। थाली पे बेलने से बोली कि अच्छा पतला बेल आता है। तो देखिए, इस तरह से थाली में बेल के और इस तरह से लंबा लंबा शेप में काट के और चौकोर शेप में कटिंग करके, और इसे देखिए इस तरह आप अपने हिसाब से जो भी शेप दे सकते हैं, ये इस तरह का शेप दी है। और ये देखिए, अब मैं इस तरह से गैस को मतलब एकदम तेल जब ज़्यादा गर्म हो जाए उसके बाद गैस को एकदम कम कर देना है, उसके बाद इसे छानना है। और देखिए, ये मेरा निमकी तैयार है। देखिए कितनी यम्मी लग रही है, और बहुत ही, देखिए मैं आप लोग को तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही खस्ता है। तो आप लोग को ये मेरा रेसिपी कैसा लगा